हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और मिशन 2020 में आपका स्वागत है। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज हम लेके चल रहे हैं और आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे, कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से कंसिस्टेंटली ये जो लास्ट के दो वीक गए हैं मैं काफ़ी डिस्टर्ब में रहा हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी। और आगे से ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी एंड ऑल थिंग्स आर सॉल्व नाउ। 19 जून इट इज, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। और इनके डिटेल्स जो हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर बेस्ड ये इश्यूज़ हैं और जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी रिलेशन इनका है। तो 6 to 5 rupees पर मंथ का जो नए कोर्स लॉन्च हुए हैं सीएससी 2020 के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल है और सभी के लिए ये अप्रोचेबल भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके बारे में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के नीचे उसमें दे रखा है सारा डिटेल और यहाँ पर कॉल करके आप मंगवा सकते हो ये कोर्सेज और कोई भी इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। और फेसबुक का एक ग्रुप है जहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ और टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कालादान रिवर के रिगार्डिंग। कालादान रिवर जो है वो मिजोरम में राइज करती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। पहली बात तो देखिए, कालादान रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती है, लेकिन इसका जो पाथवे है वो थोड़ा सा अजीब है। ये म्यांमार के नॉर्थ में और ओरिजिनेट होती है, फिर थोड़ा सा नॉर्थवार्ड ऊपर चलती है और मिजोरम में भी ये एंटर करती है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैप अगर देखें, यहाँ पर आप मैप देखिए, ये इंडिया है, कोलकाता है और ये एरिया कहलाता है चिकन स्नैक। इधर से ही हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टेरेन है। अभी जो AN-32 वाला जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और वो इसलिए हुआ था क्योंकि काफ़ी इनएक्सेसिबल टेरेन्स हैं यहाँ पर, जो आवागमन है बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी एरिया सारा है, जंगल का एरिया सारा है, बहुत ही एक मुश्किल वाला हालात यहाँ पर रहते हैं, तो एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो या तो बांग्लादेश के थ्रू होकर जाइए, वहाँ पर भी कई चैलेंजेस हैं, कुछ एक्सेस हमें मिली है लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं, इतना फास्ट नहीं है। और ये देखिए, इधर एक सितवे पोर्ट है, ये रखाइन स्टेट है म्यांमार को, वहीं पर ये जो रोहिंग्याज वाला जो इशू हुआ था वो यही वाला एरिया है, वही स्टेट है ये, यहाँ पर सितवे पोर्ट है। और ये सितवे पोर्ट जो इस कालादान रिवर है, ये वाली कालादान रिवर है, इसके मुहाने के ऊपर है ये, और ये कोलकाता से हुगली से सिर्फ 539 किलोमीटर ही दूर है। इसका मतलब सीधी दूरी तय की जा सकती है, बहुत ही आसान है और इधर से बहुत ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर हाईवे बनाया गया है, ये पलेटवा से लेकर और जोरनपुई तक और जोरनपुई से ऐजवाल तक ये 100 किलोमीटर का हाईवे है। तो इस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक्सेसिबल ये पाथ है और ये एक परियोजना भी है और इसको कालादान प्रोजेक्ट बोलते हैं, मेगा कालादान प्रोजेक्ट ये बोलते हैं। अभी एक जो ऑपरेशन सनराइज हुआ था पहले 2-3 साल पहले भी आपको बताया कि म्यांमार के बॉर्डर में घुस के हमने अटैक किया था और अभी फिर से ऑपरेशन सनराइज हुआ था, तो इंडिया और म्यांमार ने मिलकर यहाँ पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके रिगार्डिंग कुछ ये एक्शन लिया है, तो इसको बड़ा खतरा था मेगा कालादान प्रोजेक्ट को, तो उसको टारगेट किया गया। तो सितवे पोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और ये हुगली रिवर यहाँ पर है जो कोलकाता के पास है, इससे ये सीधा कनेक्ट होता है, तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, ये ओरिजिनेट तो देखिए यहाँ पर होती है इस जगह पर और यहाँ से फिर ये ऊपर मिजोरम में जाती है और इसका जो पाथ है वो इस तरह से है। तो ओरिजिनेट या ये जो है ये चिन स्टेट में होती है, ऊपर चिन स्टेट जहाँ पर है उसके नीचे रखाइन है, तो ये चिन स्टेट है और वेस्टर्न म्यांमार का ये एरिया है और इंडिया में ये चिमटुईपुई रिवर कहलाती है, चिमटुईपुई, इसको आपको याद रखना है, कालादान का नाम है ये चिमटुईपुई इंडिया के अंदर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है इंडिया और बर्मा के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर दे रखा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत और ये भी गलत, डी नन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इशू वही है कि चिकन स्नैक ही एक अकेला एरिया रह जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और फिर उसके थ्रू ही हमें जाना पड़ता था और ये एक्सेस जो है बांग्लादेश से लेके आना ये भी मुश्किल है और दो तरफ से बॉर्डर फिर पार होता है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। इधर सितवे पोर्ट से सीधा म्यांमार को एक्सेस मिलेगी और म्यांमार से हमारे रिलेशन अच्छे हैं और सीधा फिर ऊपर मिजोरम में एक्सेस मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंस इतना बड़ा है कि 1328 किलोमीटर का जो रास्ता है उतना कम कर देता है डिस्टेंस को, तो ये एक इशू है और ये मैप आप याद रखना। और सितवे जो है रखाइन स्टेट की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना, ये वही वाला है जो रोहिंग्या मुस्लिम वाला जो इशू था, और कालादान रिवर जो कि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में भी जाती है, ये देखिए 539 किलोमीटर का ही बस ये सी रूट रह जाता है और बाकी जो एक्सेस हम बांग्लादेश देश से लेते हैं वहाँ पर वही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वैसे बांग्लादेश भी जो है उसके थ्रू भी जाना इतना आसान नहीं होता है, और इधर जो है मिजोरम और मणिपुर इन एरियाज के लिए स्पेशली एक ये अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ तक आप देखिए ये चित्तागोंग पड़ता है और ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ से मिजोरम जो है वो नीचे तक आता है, सबसे नीचे तक नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम ही आता है यहाँ तक, और ये वाला त्रिपुरा है जो अधिकतर चारों तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ त्रिपुरा, और ये है मिजोरम और फिर ऊपर जाके आता है मणिपुर, तो इसका लोकेशन इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्राई 1AB और क्राई 2BC, ये बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं, ये चीज़ें क्या है, ना तो स्पेस टेलीस्कोप है, ना ही ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ना ही ये ओजोन डिप्लीटिंग को नए मिले हुए मॉलिक्यूल्स हैं,
एक्चुअल में ये दोनों जो हैं ये जीन्स हैं और ये हमने लिए हैं बैसिलस थ्रियोजेनेसिस सोयल बैक्टीरियम से। और ये बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा, बीटी कॉटन का इशू बहुत सालों से चल रहा है, दो डेकेड से चल रहा है, और यूएस जायंट जो है बेयर मोनसेंटो वो इससे मेन रिलेशन रखता है, उसने ये डेवलप किया था। और ये तो जीन है, ये सोयल बैक्टीरियम से मिले हैं, इसके रिगार्डिंग दो साल पहले क्वेश्चन भी आया था बैक्टीरियम का और बड़ा टफ क्वेश्चन था। और इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक है बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। बैक्टीरियम बैसिलस थ्रियोजेनेसिस इसका नाम है, इसलिए इसको बीटी बोलते हैं, बीटी कॉटन। और प्रोटीन ये टॉक्सिक होता है पिंक बॉलवर्म के लिए, मतलब कि वो जब इसको अटैक करता है वो खाता है तो फिर वो मर जाता है, वो इसके अटैक के लिए रेजिस्टेंट ही होता है। तो इसलिए ये उसकी मतलब बॉडी में ही डाल दिया गया है कॉटन के प्लांट के अंदर, कि उसमें अलग से कोई मतलब खाद वगैरह कुछ अलग से दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, उसके अंदर ही ये जीन बनेगा बॉडी के अंदर। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जीन हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू और इसकी बॉडी में डाला है और वो हमने लिया है बैक्टीरियम से। तो नॉर्मली वो बैक्टीरिया के अंदर जो ये कुछ केमिकल मिलता है वो डेंजरस होता है उसके लिए, पिंक बॉलवर्म के लिए, और वो चीज़ वो क्वालिटी जो है वो हमने उसमें डाल दिया। तो एक तरह से ऐसा कस्टमाइज तरीका है कि मतलब किसी की क्वालिटी किसी में डाल देते हैं, तो ये जेनेटिक लेवल पे होता है इसलिए परमानेंट भी होता है। तो ये इशू था, इसके अंदर क्राई वन ए बी और क्राई टू बी सी जीन जो होते हैं वो हमने इससे लिए हैं। तो ये एक इशू है। इंडिया में जो जेनेटिक अप्रेजल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है, वो डिसाइड करती है कि कोई चीज़ जो है वो कल्टिवेशन के लिए फिट है कि नहीं है, कोई फसल जो जैसे बीटी कॉटन है, ऐसे बीटी ब्रिंजल का इशू आया था, एक जो मस्टर्ड वाला इशू आया था बहुत ज़्यादा चला था। तो ये सारों में जीईएसी सबसे नोडल और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, ठीक है। और अधिकतर जो इशू ये आता है कि या तो टेस्टिंग वगैरह जो है वो पूरी रोबस्ट तरीके से नहीं हुई है, या फिर कुछ लोगों का एथिकल इशू आता है कि भाई बायोएथिक्स का इशू है और नेचर के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। हाँ, हम ये जानते हैं कि नेचर की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस अपना होता है, और उसको अगर हटा देंगे या फिर उसको चेंज करेंगे तो फिर उसका कोई ना कोई रिएक्शन या फिर कोई रिजल्ट ज़रूर से आता है। ये चीज़ की मतलब समझ जो है इंसान अभी तक हजारों सालों में डेवलप कर चुका है, तो इसलिए भी ये एक बायोएथिक्स का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। और इसको जीईएसी ने बीटी कॉटन का के अलावा बीटी ब्रिंजल और बीटी और ये जो मस्टर्ड है डीएमएच, इसको इन्होंने कर दिया था, जीईएसी ने ही किया था, लेकिन अभी तक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से फाइनल कंसेंट नहीं मिली है, मतलब कि फाइनली गवर्नमेंट ही बताएगी कि भाई जीईएसी के क्लियरेंस आ चुका है, अब हम क्या डिसाइड करें, अब हम इसको हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि हाँ बोलने के बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो फिर भुगतने पड़ेंगे और हमेशा इसमें जो गरीब किसान होता है वो ज्यादा भुगतता है। बीटी क्वेश्चन कॉटन के केस में बहुत इश्यूज खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर का अभी चुने गए हैं और जो राजस्थान कोटा के अंदर ओम बिरला है उनको दिया गया है ये, और उसमें देखिए सिंपल मेजोरिटी होती है। मैंने आपको कल बताया था स्पीकर प्रोटेम जो है वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था, वीरेंद्र सिंह को, और वो कुछ दिन तक रहेंगे टेम्पररीली जब तक कि स्पीकर चुना नहीं जाता। स्पीकर चुनते हैं वही जो एमपी सारे होते हैं जिन्होंने ओथ ली है, ठीक है। तो वो सारे सिंपल मेजोरिटी से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर भी क्या चुनेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन चुनेंगे, क्योंकि चेयरमैन नहीं चुनते हैं, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो, इसलिए सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन चुनते हैं राज्यसभा में, और इसमें दोनों चुनते हैं। तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है और पार्टी नहीं छोड़ता, ये सबसे बड़ा इशू है इंडिया के अंदर कि ये बायसनेस होती है, जो भी स्पीकर बनता है वो रूलिंग पार्टी से अधिकतर होता है, ठीक है, कोई रूल नहीं है लेकिन अधिकतर वही होता है क्योंकि मेजोरिटी होती है भाई उनकी, तो वो चुनते हैं अपना। और ऐसे में होता क्या है फिर लास्ट में ये होता है कि ये सस्पेंशन हमेशा बना रहता है कि वो आदमी जो है वो कितना न्यूट्रल रह पाता है, और बहुत एलिगेशंस लगते हैं कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादा अलॉट नहीं भी करें तो मतलब ज़्यादा वैसे अलाउ कर दिया जाता है, और कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ इस तरह के डिसीजंस होते हैं जो कि जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसे लिए जाते हैं, तो ये हमेशा एलिगेशंस रहते हैं नॉर्मली, तो इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो उसी पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी से होता है, और ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, जिसके अंदर ये पावर दी गई है स्पीकर को कि वो डिसाइड करेगा कि कोई एंटी डिफेक्शन लॉ का केस बनता है कि नहीं बनता है किसी मिनिस्टर के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर एमपी के ऊपर, तो उसमें अगर वो दल बदल करता है, पार्टी बदलता है, तो वो फिर डिसाइड जो है वो फाइनली स्पीकर ही करता है, तो ये पावर होती है। नॉर्मली दूसरा जो केस होता है एमपी के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केसेस के अंदर वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है उसके अंदर स्पीकर को पावर होती है, तो दूसरा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है वो प्रेसिडेंट को दी है, वो इसको नहीं दी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट के अंडर ही वो सारे आते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर ही आते हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा मेंशन नहीं था कि वो स्पीकर के पास अंडर होगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ ही नहीं था
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये तो 1985 में जाके आया था और 10th शेड्यूल है ये, और ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो पार्टी नहीं छोड़ता है, तो डी नन इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें सारे फंक्शन दे रखे हैं कि क्या क्या पावर्स होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्पीकर के, ठीक है। मनी बिल के रिगार्डिंग सबसे एक्सक्लूसिव होता है कि भाई मनी बिल को वो डिसाइड करता है कि वो मनी बिल होगा कि नहीं होगा, ये डिसीजन स्पीकर का ही होता है और वो रूलिंग पार्टी से आता है, तो अगर रूलिंग पार्टी किसी को चाहती है कि भाई मनी बिल हो तो वहां पर सस्पिशन खड़ा हो जाता है। जैसे कि आधार बिल के रिगार्डिंग ऐसा बहुत बड़ा केस बना था कि जिसमें एलिगेशन इतने सारे आए थे, एक्सपर्ट्स ने बोला था कि ये मनी बिल नहीं हो सकता है, लेकिन लास्ट में फिर सुमित्रा महाजन जी का जो डिसीजन था वो यही था कि मनी बिल इसको डिक्लेयर किया जाए, तो मनी बिल उन्होंने बता दिया, तो फिर उसके ऊपर फिर चैलेंजेस भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाते हैं बहुत। और ऐसे ही वो एजेंडा डिसाइड करते हैं दिन का, और जो अगर कोरम नहीं हो, मतलब कि 1/10 नहीं मेंबर्स प्रेजेंट हो, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और वैसे जो प्रोरोग करना होता है वो भी वही करता है, स्पीकर ही करता है। और जो सैलरी वगैरह होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर होती है, ठीक है, वोट ऑफ द पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब कि पार्लियामेंट के वोट से मतलब नहीं होता है, सीएफआई के ऊपर होती है सैलरी। अगर वो बन गए तो सैलरी आएगी आएगी, सीएफआई से आती है वो, ठीक है, तो ये इशू होता है। नेक्स्ट, लिब्रा अभी लॉन्च हुआ है, फेसबुक ने किया है, क्या चीज़ है, क्या ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन को, फेक न्यूज़ को रोकने का तरीका है? नहीं, पॉलिटिकल व्यूज जानने का तरीका है इंडिविजुअल्स के, क्योंकि सभी गवर्नमेंट चाहते हैं कि अधिकतर लोगों का पॉलिटिकल व्यू उनको पता हो, तो क्या ये चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वैसे भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत आसान है इसको हटाना। क्रिप्टो करेंसी है, ये देखते हैं। डी, टूल टू चेक फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, फेसबुक के थ्रू भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी इसका जो इशू है ये आज ही न्यूज में आया था, मैंने आपको सुबह ही पढ़ा था। क्रिप्टो करेंसी है ये, और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी मतलब कि वर्चुअल, जैसे गेम्स वगैरह में हम देखते हैं कि भाई हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 100 हो गए, 80 हो गए, तो इस तरह से ये करेंसी होती है। लेकिन इसका इशू ये है कि इसको किसने स्टार्ट किया दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को, कोई नहीं जानता। एक जो जापान के हैं कुछ, साकोशी वगैरह हुआ उनका नाम आता है, लेकिन वो उनका श्योर नहीं है कि भी उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। लेकिन ये डार्क नेट पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, डार्क नेट जो कि कंट्रोल नहीं होता है और कंप्यूटर्स पे वो सारे कंट्रोल रेगुलेशन से बाहर होता है, और उसके ऊपर कई सारे इलीगल ट्रेड्स होते हैं, कोई मतलब ये जो वेपन्स वगैरह होते हैं इनके हैं, और भी बहुत सारे जो है गलत तरह के ट्रेड्स उसके ऊपर सारे के सारे होते हैं, और वो इलीगल होता है, उसको एक्सेस करना आपको जेल में डाल सकता है। तो वहां पर इसका पहले यूज हुआ था, वो फैला था, और उसका इतना बड़ा बूम आया कि इसमें फिर एक जो बिटकॉइन माइनिंग के नाम से एक नया ही करियर चल पड़ा, और दिन रात लड़के उसमें लगे रहते थे, और उस टाइम पर ये बहुत फेमस भी हुआ था क्रिप्टो करेंसी। तो उसमें कुछ ग्राफिक्स का कंप्यूटर्स का यूज करके और उसका क्रिएट किया जाता था, मतलब उसको अर्न किया जाता था बिटकॉइंस को, और उस एक बिटकॉइन की स्टॉक मार्केट की तरह वैल्यू बढ़ रही थी। अभी तो उतना नहीं, लेकिन उस टाइम पर बहुत बढ़ गई थी, तो डॉलर्स में उसकी कीमत थी, और बहुत लोग जो है उससे अमीर और गरीब दोनों हो गए थे, तब ये इसका इशू बहुत उठा था। अब इसमें RBI ने वो जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि कोई भी इंसान इसका यूज ना करे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट्स के देशों में उनके थ्रू ऑथोराइज नहीं है, कोई रेगुलेशन इस पर नहीं है, तो हमें कोई पता नहीं है कि इसकी क्या गारंटी है, और ये कल को फेल हो जाएगा फिर क्या हो, इसमें कोई भी फ्रॉड हो सकता है। लेकिन इशू ये था कि बाद में क्लैरिफिकेशन दिया, कुछ कंट्रीज ने इसको अपनाया भी, जैसे कि कुछ आयरलैंड कंट्री ने इसको अपनाया था। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्वर है, बहुत सारे लोग जो है इससे नोड से जो है जुड़ी हुए हैं, और इसका एक पब्लिक लेजर है, उसमें कोई नई करेंसी ऐड होती है तो उसका उस पब्लिक लेजर में मेंशन होता है, सबके पास उसका डेटा आ गया। अब अगर उसको मैनिपुलेट कोई करना चाहता है, कोई मान लीजिए फ्रॉड उसमें करता है, तो उसको सारे के सारे कंप्यूटर, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, सबको उसको हैक करना पड़ेगा एक साथ में, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो सेफ मानी गई, तो फिर बिटकॉइंस वगैरह का नाम फेमस हुआ, और भी करेंसी सारी आई। तो अभी लिब्रा जो है फेसबुक ने लॉन्च की है, तो ये आज के न्यूज़ में था, और ये न्यू ग्लोबल करेंसी भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और पेमेंट के लिए वर्ल्ड का बिगेस्ट सोशल नेटवर्क जो है उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया लिब्रा, और एनोनिमस नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जो है वो जिनेवा में बेस है, एपोनिमस इसका नाम है, एनोनिमस नहीं एपोनिमस है, और वो ब्लॉकचेन बेस्ड लिब्रा को मेंटेन करेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें देखिए मास्टर कार्ड, वीजा, स्ट्राइप, कीवा, पेपल, ये सारी जो कंपनीज हैं ये इसकी मेंबर्स हैं, वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, ये भी सारे इसके मेंबर्स हैं, और इसका डिजिटल वॉलेट जो है वो कैलिब्रा कहलाएगा, कैलिब्रा, और वैसे इसका नाम होगा लिब्रा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट होगा. नेक्स्ट है जस्टिस बी एन कृष्णा श्री कृष्णा कमेटी. ये किसके लिए बनाई गई थी? कमेटीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछता है. एनपीए क्राइसिस के लिए क्या ये था? नहीं. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो कंपनीज हैं और ट्विन शीट प्रॉब्लम भी चल रही है जो 3 साल से डिस्कस हो रही है और उसका सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोन लिए बड़े बड़े हजारों करोड़ के वापस पे नहीं हुए, हर दिन इंटरेस्ट जो है वो उसमें जुड़ रहा है, तो एनपीएस हर दिन राइज कर रहे हैं. लेकिन कुछ आईबीसी 2016 आने के बाद में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद में कुछ सफलता मिली है, लेकिन बहुत ही स्लो है, बहुत ही कम लेवल पे वो रेजोल्यूशन हो पाया है. तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीम्स आई थी और वो हमने डिस्कस की थी पहले भी, 2-3 साल से चल रही हैं. उसके रिगार्डिंग बीएन कृष्णा कमेटी नहीं थी. डेटा लोकलाइजेशन वो इशू है जिसका रिगार्डिंग बीएन कृष्णा कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी और आरबीआई ने भी उसका रेफरेंस दिया था और इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट इसमें ओपिनियन लिया गया है. तो सी इसका आंसर होगा, सी डेटा लोकलाइजेशन. अब बात ये है कि भाई जो बड़े बड़े सर्विस हैं, याहू है, यूट्यूब है, गूगल है, ये सब जो है अमेरिका बेस्ड है और इंडिया से बाहर इनके सर्वर्स हैं, जो भी डेटा आता है कुछ भी होता है उन डोमेन्स का एस्टैब्लिशमेंट वहीं पर है, उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हम तक आती है और उसमें थोड़ा ये भी इशू होता है कि भाई सेफ्टी का क्या इशू है, कोई हैक करे, कोई सिस्टम उनके पास है, सब कुछ उनके हार्ड डिस्क में होता है, तो वो कैसे हम उस पर अश्योर हो सकते हैं कि भाई हमारा सेफ है सिस्टम. और डेटा लीक्स लगातार हो रहे हैं और कई तरह के जो रैनसमवेयर हैं, मेलवेयर हैं, ये सब आते रहते हैं और उन सब का इशू ये होता है कि हमारे पास जो उसका बेसिक जो डेटा है उसको हमारी फिजिकल बाउंड्री पे नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है. तो नीड ये है अधिकतर कि एक देश के अंदर ही उसके सर्वर्स हों, लोकल सर्वर्स हों, अलग अलग जगह उसके सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएं, उसका कंट्रोल जो है वो खुद देश के पास हो, जैसे इंडिया में है, तो उसमें डेटा लोकलाइजेशन हो, उसका लॉज वगैरह रेगुलेशन वगैरह सब हमारे हाथ में हो. लेकिन हाँ, एक चैलेंज इसमें जरूर आता है कि भाई दुनिया में इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल इशू है और ऐसा करने से वो हो सकता है नेशनल इशू बन जाए, कल को कोई कंट्रोल वगैरह हो, उस क्लोज करना हो उसको, तो फिर वो एक ताकत उस देश के हाथ में आ जाती है और गवर्नमेंट्स वगैरह जो है उसका मिसयूज कर सकती हैं अगर वो टायरनस होती हैं तो. लेकिन अभी ये ग्लोबल है और इसमें अगर ऐसा किया, सब देश ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि सब कोई गवर्नमेंट्स वगैरह जो है वो बहुत चैलेंज फेस करती हैं और फेक न्यूज़ का इशू है, ये सब इश्यूज़ के कारण बहुत बड़ा इशू रहता है और हर बार फेसबुक एप्पल इन सब से कोशिश करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और फिर ये मना भी कर देते हैं कई बार. तो उन सब चीज़ों के सोल्यूशन के लिए, डेटा लोकलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सारे देश जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये भाई सर्वर देशों में होने चाहिए. तो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके थ्रू भी खतरे बढ़ रहे हैं और ट्रेमेंडस डेटा जो है वो इसमें यूज हो रहा है और उससे वो मशीन सीख भी रही है, तो हमारा डेटा उनको अवेलेबल हो रहा है और ये एक इशू है. इसलिए अपॉर्चुनिटी जो है सब चाहते हैं कि भाई खुद के देश के अंदर डेटा रहे, उसका क्लाउड पॉलिसी पैनल ने भी बोला था और जस्टिस बी कृष्णा कमेटी ने भी बोला था. ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी जो है उसके अंदर भी इसका इशू था और जो पर्टिकुलर आरबीआई की रिकमेंडेशन थी उनके रिगार्डिंग भी इसमें इशू आया था. तो सिटीजन के डेटा को, डेटा प्राइवेसी को, डेटा सॉवरेनिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन सबको सिक्योर करने के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और ये इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज भी हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए पावर हंग्री कस्टमर्स के लिए न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसका जो मार्केट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो डेटा लोकलाइजेशन जो है वो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट भी करेगा, ये भी एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज छपी थी. तो इस तरह के इश्यूज भी एप्लीकेशन अपना रखते हैं इन इश्यूज के साथ में, ठीक है. और मेन इशू यही होगा कि भाई जैसे आपने जीमेल में अकाउंट बनाया तो वो डेटा अल्टीमेटली आपका एक्सेसिबल तो है, आपका अकाउंट तो बन गया, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, अल्टीमेटली किसके हार्ड डिस्क पे वो डेटा? आप यूट्यूब पे गाने देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन वो है कहाँ पर, उसका हार्ड डिस्क कहाँ पर है, कहाँ पर वो सेव्ड है, ठीक है. आप तो उसका एक कॉपीड वर्जन ही देखते हो, तो वो इशू है. ऐसे में ऐसे ही जीमेल सॉरी जो मेल्स हैं, सारे अकाउंट्स हैं, ऐसे ही डोमेन्स हैं, इंटरनेट सर्विसेज सारी हैं, उनके सेंटर्स वहीं पर है. तो ये इंटरनेट ग्लोबल गवर्नेंस का इशू है और ये श्री कृष्णा कमेटी ने लोकलाइज करने के लिए बोला था कि एनफोर्समेंट हो सारे लॉज का और लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट और रोबस्ट लॉज बनाए जाएं, ठीक है. आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम्स को आगाह किया था, ऐसे टेलीकॉम सर्विसेज को भी अलाउ नहीं होता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है इंडिया से बाहर नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन खतरा बना रहता है क्योंकि दुनिया इंटरनेट पर चलती है और उसके सर्वर जो है इंडिया से बाहर कहीं पर हैं. ऐसे ही ड्राफ्ट नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में अनाउंस हुई थी और उस ड्राफ्ट के अंदर भी इसका इशू है. नेक्स्ट बॉन्ड चैलेंज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, एक बॉन्ड चैलेंज है और एक एफएलआर है. अब ये क्या चीज है, देखिए चैलेंज है और नेशनल इशू होता है हमेशा यूपीएससी में, तो नेशनल चैलेंज कोई ना कोई है. तो क्लाइमेट चेंज भी एक चैलेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक गोल है और चैलेंज भी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी चैलेंज है, लेकिन ये जो इशू है बॉन्ड चैलेंज, जब बॉन्ड जर्मनी में एक शहर है उसके नाम से बॉन्ड चैलेंज पड़ा, 2011 से स्टार्ट हुआ था लैंड रिस्टोरेशन के लिए कि भाई
लैंड एक तो डिजर्टिफिकेशन के कारण भी डिग्रेड होती है, वैसे भी पॉल्यूशन के कारण भी डिग्रेड होती है, बहुत सारे रीजंस के कारण, वेदरिंग के कारण लैंड डिग्रेड होती है, बहुत खराब होती है लैंड, और लैंड पोल्यूशन सबसे बड़ा इशू है। सॉलिड वेस्ट जो है वो खराब करता है, और कोई केमिकल्स हैं वो खराब करते हैं, बहुत सारे इशूज होते हैं, मिनरल्स के हैं, माइनिंग के हैं, बहुत सारे इशूज हैं। और डेजर्टिफिकेशन सबसे बड़ा इशू है, जो क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे रिलेटेड भी है, लेकिन स्पेसिफिकली उस डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए कुछ बॉन्ड चैलेंज एक 2011 में कॉन्सेप्ट सामने आया था, और बहुत सारे कंट्रीज ने इन सब ने ये बोला था कि हम इसके रिगार्डिंग प्लेज लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन किया था 2015 में, जब ये COP21 हुई थी, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था, COP आपको याद होगी 21 2015 में हुई थी, उस टाइम पर हमने बहुत बातें की थी, और ये भी उसमें का एक पार्ट था कि बॉन्ड चैलेंज जो हमने प्लेज किया था एज ए कंट्री। और अभी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा जो कि बॉन्ड चैलेंज कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें से पहला ऐसा होगा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो डेवलप करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है भाई, सब लोग मानते हैं, सब लोग हाँ भरते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कितने लोग जो हैं वो इसमें प्लेज पूरा कर पाते हैं, तो ये इशू रहता है प्लेज पूरा करने का। और बॉन्ड चैलेंज जो ग्लोबल एफर्ट है, 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है दुनिया में वो डिग्रेड है, और उसको डिफॉरेस्टेड भी है, उसके ऊपर फॉरेस्ट भी नहीं है, उसको डिग्रेड करना, डिग्रेड की हुई को दोबारा से रिस्टोर करना है, तो रिस्टोरेशन कैसे होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, प्लांटेशन होगा, लेकिन अकेला प्लांटेशन इशू नहीं है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पूरा लाइफ चेंज करने पे जाता है इंसानों की, और इकोसिस्टम को बैलेंस करने पे जाता है। तो सितंबर 11 में बॉन, गवर्नमेंट जर्मनी ने बॉन के अंदर किसके साथ मिलके, IUCN के साथ मिलके, और ये होस्ट किया था, लॉन्च किया था, और फिर किस लाइंस पे किया था, एक तो रियो कन्वेंशन हुआ था पहले, अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था, और इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ प्लेजेस स्टार्ट की गई थी। और उसमें देखिए 2013 तक आते आते बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उसमें ब्राज़ील, कोस्टारिका, अलसलवाडोर, रवांडा, US, ये सारी आई थी, इन्होंने प्लेज लिया था। साउथ कोरिया, कोस्टारिका, पाकिस्तान, चाइना, रवांडा, ब्राज़ील, इन्होंने सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाए भी थे, देखिए पाकिस्तान का भी इसमें नाम है, और जब पाकिस्तान कर रहे तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। तो इसमें ये आया, इन्होंने ये बोला कि $84 बिलियन जो है वो एक तरह से हर साल और क्रिएट किए जाएंगे, और वो जो है इनकम अपॉर्चुनिटीज भी होंगी रूरल कम्युनिटीज के लिए, और ये गोल भी हम पूरा करेंगे ताकि ये मतलब एग्जीक्यूशन इसका प्रॉपर हो पाए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन की बात है क्लाइमेट चेंज के इशू के अंदर, वो भी इसके लिए एक सपोर्टिव चीज़ है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट लगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो पेड़ पौधे यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेस में है, और फिर उसका कमी होगी, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो भी कंट्रोल होगी कहीं ना कहीं। तो कितने फायदे हैं, मल्टीपल फायदे हैं, रूरल कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा, 150 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो रिस्टोर होगी, उस पर जंगल लगाए जाएंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, और बहुत इकोसिस्टम बैलेंस में आएगा, जहां एकदम नुकसान की तरफ जा रहा है वहां पर उल्टा रिस्टोर होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है उसने प्लेज किया था, पहाड़ी रीजन है, और उन्होंने क्या किया कि भाई पहला सब एक नेशनल प्लेज थी, वो मतलब एक नेशनल प्लेज नहीं थी, सब नेशनल प्लेज थी, क्योंकि एरिया ने प्लेज किया था। उन्होंने ये बोला कि बिलियन ट्री सुनामी एक नाम से स्टार्ट किया कि भाई हम प्लांटेशन करेंगे इसमें, और पहली प्लेज जो है वो फुली इंप्लीमेंट भी हुई, तो उसके नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन अभी जो बात है वो है कि पहला कंट्री कौन सा है, सब नेशनल नहीं, नेशनल कौन सा है जो डेवलपमेंट रिपोर्ट की देगा, तो इंडिया उसकी डेवलपमेंट रिपोर्ट देगा। इसके अंदर FLR का इशू है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, और इसी से रिलेटेड फिनोमेना है बॉन्ड चैलेंज, कि मतलब इस बॉन्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम FLR को इंप्लीमेंट करेंगे, फॉरेस्ट के लैंडस्केप को रिस्टोर करेंगे। और इंडिया ने चैलेंज 2015 में लिया था वॉलंटरीली, मैंडेटरी नहीं था, नहीं था मतलब मजबूरी में नहीं लिया था हमने, वॉलंटरीली खुद की इच्छा से लिया, और इंडिया का प्लेज वन ऑफ द बिगेस्ट है एशिया के अंदर, ठीक है। कौन कौन शामिल है स्टार्ट करने में, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN, और इसमें यह था कि 2020 तक यह टारगेट लिया गया था, और अभी फिर इसको 2014 के अंदर क्या किया, इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में 2030 तक, तो अभी ये 2030 का बन गया है, जहां स्टार्ट 20 के लिए हुआ था, 10 साल के लिए हुआ था, क्योंकि 11 में स्टार्ट हुआ था 10 साल के लिए 20 तक हुआ, लेकिन बाद में इसको 20 साल कर दिया गया, 2030 तक के लिए कर दिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होना, अभी ये प्रेजेंटली 2030 तक के लिए है, ठीक है, और यही सारा इशू रहेगा। तो FLR के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, इसमें इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी को रीगेन करना है, बैलेंस को रीगेन करना है, और ट्री प्लांट करने के अलावा भी बहुत कुछ इसमें करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का लेसन था, और एक और क्वेश्चन बचा है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, देखिए एक तो WHO होता है, एक एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसको CIE फ्रेंच में बोलते हैं,
अब उसने एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट दिया, उसका क्या मतलब है? देखिए सीधा हमने कल ही पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं वो अलग, उनकी लाइफ टोटली आइसोलेटेड नहीं है, इकोसिस्टम के पार्ट हैं, एक की हेल्थ डिस्टर्ब होती है दूसरे की भी हो सकती है। ज़ूनोटिक डिजीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जो डिजीज एनिमल्स और ह्यूमंस में बीच आपस में कम्युनिकेट हो सकती है, जैसे एंथ्रेक्स का मैंने एग्जांपल दिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, जानवरों की बीमारी है, कैटल्स की बीमारी है, लेकिन इंसानों में भी हो सकती है। कायसोनोर फॉरेस्ट डिजीज है, बंदरों की है, इंसानों में भी हो सकती है। इबोला है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, जानवरों की बीमारी है, इंसानों को हो सकती है। रेबीज कुत्तों से कुत्तों की बीमारी है, कुत्ता पागल होता है, लेकिन काट ले इंसान को, इंसान में भी हो सकती है। ज़ूनोटिक डिजीज है सारे के सारे। इसका मतलब इंसान की लाइफ से बहुत हद तक इसकी लाइफ डिपेंड करती है जानवर की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो है लेकिन नया नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंसान एंशियंट टाइम से ही एनिमल्स के साथ में रहता हुआ आ रहा है। और इसमें सिंगल ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई, इसमें बात ये बोली गई कि भाई इंटरकनेक्टिविटी है और इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में OIE बोलते हैं, तो OIE ने ये बोला कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई इंटरडिपेंडेंट हो ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्थ, और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस में रहे, और इसमें जो है एंशियंट टाइम से ही चलता हुआ रहा है, तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, इट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते हुए क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि भाई इंपैक्ट हम ज्यादा हो रहे हैं, हम ज्यादा एक तो इंटरफेयर कर रहे हैं उनके लाइफ में, जंगलों के अंदर हम घुस रहे हैं। तो कायसोनोर फॉरेस्ट डिजीज उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें वो इसलिए बड़ा क्योंकि जो कर्नाटका के अंदर जंगलों के अंदर लोग हैं एक्सटेंड होने लग गए, जंगलों में जहां पर जानवर रहते थे वहां पर इंसान जाने लग गया और उसने अपनी बस्तियां बसा ली वहां पर, तो इसके कारण ये इंटरेक्शन बढ़ रहा है। अभी ये भी आया कि भाई अधिकतर इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो ज़ूनोटिक ही होती हैं, 60% 80% बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं जो पोटेंशियल बायोटेररिस्ट के रूप में यूज हो सकते हैं, ऐसे पैथोजेंस वायरस बैक्टीरिया या कुछ भी हो सकते हैं जेनेटिक पैथोजेंस, वो यही यूज होते हैं, ज़ूनोटिक यूज होते हैं। और 1/5 ऑफ प्रीमेच्योर डेथ जो होती है, मतलब टाइम से पहले ऐसे में मृत्यु जो होती है पुअर कंट्रीज में, वो भी ऐसे डिजीज से ही होते हैं जो कि जानवर से आई है। तो ये सारा है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट कि भाई इसको हमें मेंटेन करना है और एक साथ कोलैबोरेशन में इंसान और ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन और एनिमल्स की हेल्थ को मैनेज करना है, ठीक है। जैसे केसेस नए नए आ रहे हैं, चाहे वो इबोला हो, चाहे वो ये कोई और डिजीज हो, HIV भी जो है बंदरों से ही इंसान में आई है, इंसानों की डिजीज नहीं थी HIV, वहीं से आई है। तो ये सारे इश्यूज हैं और इसमें सारा आप PDF में पढ़ सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी, और कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।